तैयारियां कुछ खास नहीं की हैं. इट इज़ जस्ट आई थिंक ऐसे शो के लिए आप ज़्यादा तैयारियां कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम वो स्टंट्स यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं और ना ही हम अपने घर से कूद सकते हैं, ना ही हम पानी के नीचे बैठ सकते हैं. तो यू रियली डोंट नो कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट हाँ, एक है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटली चार्ज योरसेल्फ अप कि आप जब यहाँ जाएँ तो आप वो सारी चीज़ें करें जो एक्सपेक्टेड हो आपसे. सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना कि मेडिटेट करना चाहिए और योगा करना चाहिए, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे मेंटली काम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस स्टंट को कंप्लीट कर पाएंगे इफेक्टिवली. तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ जाके मेडिटेट करूँ. ओके ऐश्वर्या, रोहित का क्या रिएक्शन था जब आपने ये प्रोजेक्ट? रोहित का रिएक्शन यही था दैट इनफैक्ट हमें एक और शो ऑफर हुआ था एंड ही सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से सोच रही हूं उस शो को करने के लिए, लेकिन एवरी नाउ एंड देन हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था. सो ही वाज मोर देन सपोर्टिव एंड ही सेड कि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली डिस्कवर योरसेल्फ, सो गो अहेड एंड डू दैट एंड मेक अस प्राउड. आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये ऑफर हुआ? मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं बहुत वक्त से ये शो करना चाह रहा था और पिछले साल कुछ शेड्यूल्स की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था. और उसके पहले से भी, जब से ये शो इनफैक्ट आया है, तब से मैं सोच रहा हूँ कि ये शो तो मुझे करना ही है. सो जब कलर्स मेरे पास आया शो को लेकर, तो मैं उस भाई हैप्पी. ओके, टॉकिंग अबाउट अर्जुन कपूर, कितनी मस्ती होने वाली है उनके साथ, कितना फन होने वाला है ये बताएं. जितनी मस्ती होनी है वो तो आपने थोड़ी बहुत तो ट्रेलर में देखी ली आपने, अब कितना होगा वहाँ पे तो और जाके बहुत मजा आएगा. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके शो का सूत्रधार है, हूएवर इज द होस्ट, आप उनके साथ बहुत रिलैक्स रहें, यू नो दैट फॉर्मेलिटी जो होती है एक होस्ट और पार्टिसिपेंट में वो ना हो. सो अर्जुन मेड अस फील रियली रियली कंफर्टेबल टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम सब एक ही उम्र के हैं, सो यू नो it makes it much more easier. Okay, Ashwarya, you know, आप reality shows नहीं कर रहे हैं, तो पहले दिन एजुअली भी अपने किया, तो क्या आप किसी genre में आप जाने वाले हैं? Reality shows तो मतलब ये मेरा दूसरा reality show है and मैं नजबलिए भी बहुत time से करने का सोच रही थी. So I think ये साल मेरा wish list tick off करने का साल है. So पहले नजबलिए हुआ and now खतरों के खिलाड़ी is happening. So I'm just very happy कि जो दो shows मुझे करने ही करने थे वो इसी साल में कर रहे हैं. ओके सिद्धार्थ, आप काफ़ी मिस कर रहे हैं फैंस ऑन स्क्रीन, तो व्हाट डू हैव टू से टू ऑल द फैंस? वेरी काइंड ऑफ यू ऑल कि आप लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ आता है टेलीविजन पर और उसके बावजूद अगर आप लोग मुझे थोड़ा मिस कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन अब आई एम श्योर आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जल्द मुझे देख पाएंगे खतरों के खिलाड़ी पर. ऐश्वर्या, व्हाट डू यू हैव टू से टू? वाओ, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल फील करती हूँ एवरी टाइम समबडी मेंशंस कि आपके फैंस हैं. मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ अभी 4 साल हुए हैं एंड आई एम नॉट यूज टू द वर्ड फैंस, बट जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि आपका प्यार मुझे यहाँ तक लेके आया है एंड आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएँ, आपका प्यार मुझे और आगे लेके जाएगा. Because you took my wrong name. Okay. Now Mahi is gonna say. I'm really sorry. Karan and Mahi. I'm really sorry. Chalo.
Okay, that's it. I think. Can you just finish? Close this. नहीं इसने start ही नहीं किया है. अभी start. नहीं अभी start की है. चलो. हाँ. हाँ. तो क्या बोला था आपने? All set ready for Khatron. Yes yes definitely you know माइने तो you know हम एक हफ्ते पहले दुबई गए थे तो पूरी shopping वॉकिंग करके ready हो चुकी है. She's quite excited. And Argentina में बहुत मस्ती होगी. You know lot of traveling and बहुत कुछ सोच के रखा है. So hopefully you know बाकी सारे दोस्त भी यहाँ पर ऐसे मौके कम मिलते हैं जहाँ पर यू नो सारे 12-14 लोग एक साथ यू नो एक ट्रिप पे जा सके. सो दिस इज लाइक अ नाइस यू नो फैमिली ट्रिप. जैन है तो आपको बता दिया, आप भी जैन के बारे में बताइए. वो उनने खुद को किस तरह से तैयार किया है? उनको तैयार करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं इसके लिए किया, इस दिन के लिए करवाया कभी पीड़ा कभी कीड़ा. इस टैगलाइन को देख के डर सा लगा, बहुत डर गई. कहां पर है? पैसे मिले मुझको, बहुत डर लगा मेरे को. ओह माय गॉड. यूजुअली मैं भारत में जानती हूँ लड़कियाँ काफी सेंसिटिव होती है पीड़े और उनसे बाहर का सबसे. नहीं जवाब दूंगी. मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है. मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है. मतलब मैं हमेशा यू नो काफ़ी चिल्ड आउट हूँ कुछ भी चीज़ नहीं करने में. सो चाहे वो मगरमच्छ भी अगर समझो मेरे साथ रहे तो मुझे कुछ डर नहीं पड़ेगा. थैंक यू सो मच. क्या फील कर रहे हो ये बताओ? मैं सब फील कर रही हूँ. हिमांशु आई थिंक सिर्फ नर्वस फील कर रहे हैं. एक्जैक्टली एक्साइटमेंट वहाँ जाने के बाद पता चलेगी. बिकॉज बहुत सारे लोग जो टीम के हैं डेमोल के वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे कि यार हिमांशु दो स्टैंड के बाद आई थिंक यू स्टार्ट इन के बारे में पहले बताएं कि कितना मजा आने वाला है. यंग होस्ट है कितना. हिमांशु सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज अर्जुन कपूर इज ऑन द शो. रियली? या एक्चुअली आई थिंक ही इज फन गाय. ही इज चार्मिंग. एंड एक खास बात है उसके बारे में जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया. आई थिंक इज़ वेरी ऑनेस्ट. सो मुझे लगता है मुझे पर्सनली ऑनेस्ट लोग बहुत ज़्यादा पसंद है. ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट. तो आई एम होपिंग कि हमें बहुत मज़ा आएगा उसके साथ. ओके. हमने आप दोनों को नचबली में अपने अपने पार्टनर्स के साथ देखा है. काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है वहाँ से यहाँ तक. कितना एक साथ एंजॉय करने वाले हैं और आपस में कितना बॉन्ड इंक्रीज बढ़ने वाला है? हम डेफिनेटली एंजॉय करने वाले. इनफैक्ट जब मुझे पता चला दैट हिमांशु ये शो में तो आई वॉज वेरी रिलैक्स. सडनली मुझे लगा दैट कोई है यू नो वहाँ पे. कभी कुछ बहुत डर लग गया या मार लग गई या कुछ हो गया तो यू नो कि वहाँ पे कोई है जिसके पास आप जा सकते हो, जिसके साथ आपने काम किया है. हुज लाइक होम, हुज लाइक फैमिली. इनफैक्ट आप लोगों ने देखा दैट अमृता एंड हिमांशु हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है. सो आई वॉज वेरी रिलैक्स ऑन हियरिंग दैट हिमांशु इज शो मी. एंड देन हिमांशु ने मुझे कहा मुझे थोड़ा डर लग रहा है. लाइक डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं पुश कर दूंगी. हाँ, मेरी बीबी से स्ट्रिक्ट है. और अमृता ने मुझे बोला है कि ये कुछ नहीं कहेगा तो पुश कर देना, पुश कर देना, करवा के आना चाहे कुछ भी हो जाए. आई एम ऑन इट. ओके हिमांशु, अमृता का क्या रिएक्शन था जब आप जब ये ऑफर हुआ प्रोजेक्ट? तो हाउ इज ये एक्चुअली प्रोजेक्ट अमृता की वजह से ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसको करना फिर वो कर नहीं पा रही है. और शी टोटली वॉन्टेड मी टू डू दिस शो. एक्चुअली मैं ये शो नहीं करना चाह रहा था, आई बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दिस शो इज़ नॉट ऑन माई विश लिस्ट. मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लगता था कि यार ये शो मैं कर पाऊँगा कभी नहीं कर पाऊँगा जिस तरह से टी वी पर नज़र आता है. पता नहीं, आई थिंक शायद कुछ उसने पुश किया, कुछ थोड़ी बहुत मुझे लगा कि नहीं इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ. सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट एंड ट्राई. ओके, और कितनी तैयारियाँ की हैं आप लोगों ने इस शो के लिए? हम एक्चुअली सुबह से लेकर रात तक सब तैयारियां कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हम मेंटली तैयार हो रहे हैं. जो मेरे को कॉकरोच दिखता था मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है. मैं जाने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल कॉकरोच से डर नहीं लग रहा है. मुझे कोई चीज़ से डर नहीं लग रहा. सो आई थिंक मेंटली हम तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक फिजिकली तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. नो, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल प्रिपरेशन देन फिजिकल प्रिपरेशन.